वंस अगेन वेलकम टू हया किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी। इसके लिए जो सामान लगेंगे वो इस तरह है। पांच टमाटर, पांच आलू, एक शिमला मिर्च, कोरिएंडर और धनिया लीव्स, बीटरूट एक मीडियम साइज, 1 कप मटर, 1 कप कॉलीफ्लावर। आप ये कॉलीफ्लावर को 5 से 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगा के रखिए ताकि अंदर के जो भी इंसेक्ट वगैरह है वो सब निकल जाएंगे। बटर 2 टेबलस्पून, पाव भाजी मसाला 1.5 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिल्ली पेस्ट और ये एक लेमन है जो हम बाद में यूज़ करेंगे जब हम सर्व करेंगे। 2 टेबलस्पून सॉल्ट, नमक 1.5 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, ऑयल। अब हम पाव भाजी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बॉईल। ये पोटैटोस को हमने अच्छे से पील कर लिया है। अब हम इसको प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। इसके हमने टुकड़े कर लिए, 1 के 2 टुकड़े कर दिए ताकि ये अच्छे से इसमें गल जाए। इसमें हम डालेंगे बीटरूट जो 1 हमने कट किया था स्मॉल साइज में और हम इसमें डालेंगे कॉलीफ्लावर जिसको हमने गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए रखा था। ये तीनों चीज़ों को इसमें डाल के प्रेशर कुकर में हमको 2 से 3 सीटियाँ लेनी है। हम प्रेशर कुकर को बंद कर लें और इसमें हम 3 सीटियाँ ले लेंगे। इसको हमने बॉईल कर लिया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं और पानी इसी में रहने देंगे और इसको ये पोटैटोज और ये जो भी है ये सारी सब्जियों को हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। एक पैन को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें हम डालेंगे ऑयल जब पैन गर्म हो जाएगा। पैन में डालेंगे हम ऑयल। टू स्पून हमने ऑयल लिया है और इसमें हम अभी बटर भी डालेंगे। इसमें हम डालेंगे बटर 1 स्पून और आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज थोड़ी सी पिंक हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे टमाटर और टमाटर के साथ हम डालेंगे हमारे सारे मसाले। प्याज थोड़ी सी पिंक हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर। यहीं पर हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इसमें डाल देंगे अपने सारे मसाले। नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, ग्रीन
धनिया पाउडर। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके पकाएंगे 5 से 6 मिनट, ताकि जो हमारे टमाटर है ये सॉफ्ट हो जाए। दस मिनट हो गए हैं और ये टमाटोज भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे मटर और ये शिमला मिर्च। और इसको भी हम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से इसमें गलने देंगे। बीच बीच में हम इसको मैश करते रहेंगे मैशर के साथ। 5 से 10 मिनट हो गए इसको हम कवर करके पकाते हुए। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये जो मटर और ये कैप्सिकम है इसको हम इस तरह से मैश करते रहेंगे। इसको अच्छे से यहाँ पर मैश कर लेना है हमको। ये मटर और शिमला मिर्च जो है अच्छे से मैश हो गई है। ये बिल्कुल इसके बारीक बारीक टुकड़े हो गए हैं। इसमें हम और 5 से 6 मिनट में जो हमने मैश करके रखे हैं अपनी भाजी जिसको हमने बॉईल किया था वो भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैश की हुई भाजी, जो मैश किए थे हमने बटाटा और बीटरूट और फ्लावर, उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसको भी हमने अच्छे से मैश कर लिए हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो हमने बॉईल करते हुए पानी जो बच गया था हमने उसको बचा लिया था, ये पानी अब हम इसी में डाल देंगे और इसको अच्छे से अब पकने देंगे जब तक कि इसमें बबल्स आना शुरू हो जाए। अब हम इसमें यहाँ पर डाल देंगे पाव भाजी मसाला। ये डाल के भी हम इसको चलाएंगे और इसको पकने देंगे 5 से 6 मिनट। इसमें हम डालेंगे बटर। 5 से 6 मिनट पहले हम इसको चला लेते हैं, फिर हम इसमें बटर भी डाल देंगे। हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर, इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम पकाएंगे और 5 से 6 मिनट। पाव भाजी को हमने और 5 से 6 मिनट पका लिया है, अभी बिल्कुल रेडी है। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। पाव भाजी बिल्कुल रेडी है, आप इसको खाइए बनाइए और हमें प्लीज़ अपने फीडबैक दीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।